भाजपा में शामिल होंगे शाह आलम और गुड्डू जमाली। जमाली का मजबूत वोट बैंक बना सपा के करीबी की वजह। आपको बता दें कि अब आजमगढ़ सीट की किलेबंदी में जुटी समाजवादी पार्टी। गुड्डू जमाली सपा में आने पर खींचे जा सकते हैं विधान परिषद। राज्यसभा में हार के बाद सपा आजमगढ़ की किलेबंदी में जुटी हुई है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो एक बड़ा नाम अगर बात की जाए तो और सपाता अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, देखिए क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है। शाह आलम और गुड्डू जमाली आज समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। अगर गुड्डू जमाली की बात की जाए तो एक अच्छा खासा वोट बैंक है। बसपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राज्यसभा में मात के बाद अब सपा लोकसभा चुनाव के लिहाज से आजमगढ़ की किलेबंदी में जुट गई है। देखिए पूर्व विधायक और बसपा नेता जो है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आज सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव की मौजूदगी पर पार्टी की सदस्यता जो है वो लेंगे। देखिए आजमगढ़ में सपा पिछला लोकसभा चुनाव बसपा से गुड्डू जमाली के मैदान में उतरने से हार गई थी। दरअसल जमाली जो है वो पसमंदा मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए सपा उन्हें मार्च में होने वाले चुनाव में विधान परिषद भेजकर एक संदेश देना चाहती है। इस तरीके की सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है वो मिल रही है। देखिए भाजपा की नजर लगातार पसमंदा मुस्लिम समाज पर बनी रहती है। वर्ष 2022 में देखिए आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली को लगभग 2,66,000 वोट जो है वो मिले थे। देखिए सपा के धर्मेंद्र यादव को इस चुनाव में करीब 8,000 वोट मिले थे, लेकिन जिस तरीके से गुड्डू जमाली चुनाव जीते थे तो कहीं ना कहीं अब जमाली के जरिए सपा जो है वो अपना वोट बैंक जो है वो मजबूत करे, क्योंकि जिस तरीके से हमने बीते दिन देखा राज्यसभा चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो बागी हो गए और साथ ही मनोज पांडे जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये तमाम जो नुकसान है इसकी भरपाई जो है समाजवादी पार्टी अब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में समय कम है और कहीं ना कहीं बीते दिन बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को मिला है। प्रियव्रत जी, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।